हाय फ्रेंड्स, बैटर्स गुरु एबिलिटी चैनल पे आप लोगों का एक छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ। ये जितनी भी ड्यूक 200, ड्यूक 250 या 390 जितनी भी सारी चेन स्पॉकेट आप लोग चेंज करने वाले हो, वो आप शोरूम से परचेस करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि शोरूम से परचेस करने से ये वाला ब्लैकिश कैटेगरी का चेन आप लोगों को मिलेगा। तो मेरा मतलब है, मेरा बोलने का मतलब है, आप ऑब्वियसली रोलोन का ये वाला चेन स्पॉकेट परचेस करें, ठीक है। इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे, आप लोग देखो। देखो ये चेन का कलर, देखो ये चेन का कलर देखो, और इसका टीपीआई जो टिप पर इंची, इसका पिच डायमीटर टीपीआई बहुत, ये इससे भी बेहतर है, बहुत खूब। जितनी भी सारी बाइक पे मैंने इंस्टॉल किया अभी तक, वो उसका कोई भी बैड रिपोर्ट नहीं। और एक चीज आप इसका फर्क आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला देखो कंपनी का दिया हुआ स्पॉकेट पर, ये कॉटन टिप्स का है, इस पर कोई भी कॉलर रबर डायमीटर नहीं है। लेकिन ये वाला रोलन पर देखो, रबर बेस होने की वजह से ये जब ओबलिंग कंडीशन सिचुएशन पर जाता है तो नॉइस पैदा नहीं होता। तो आपको पता चल गया तो कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला बुरा है। ये इसका प्राइस आप लोग ऑनलाइन पर साइट पर कोई भी साइट पर सर्च कर ले सकते हैं, कोई भी 200-400 के आसपास इसका प्राइस इंक्रीज होता है इसके। लेकिन तो भी मेरा मतलब है, आप ये वाला चेन ही परचेस करके लगाओ, आपका बाइक का नॉइस, आपका बाइक का गियर पोजीशन, आपका बाइक का स्मूथनेस बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइनली दोस्तों ये अब इंस्टॉल हो गया, आप देखो इसका स्मूथनेस देखो इसका चेन का, कोई भी नॉइस पैदा नहीं हो रहा है इधर, और इतना इसका स्लैकनेस एडजस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आया। पहले वाला नया चेन पर जो शोरूम का परचेस करने के बाद उसका स्लैकनेस 5-7 mm जो स्लैकनेस रहता है, वो स्लैकनेस एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इसमें कोई स्लैकनेस एडजस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ और बहुत स्मूथ मूव कर रहा है। तो हम उसको राइड करके दिखाएंगे। फर्स्ट गियर मैंने डाला वो पीच स्टैंडर्ड होने की वजह से ठस ऐसे आप नॉइस जो पहले वाला ड्यूक पर नया वाला शुरू के परचेस करने के बाद जो सर्विस करने के बाद एक नॉइस पैदा होता है गियर देने के, जार्किंग होता है, तो इसमें कोई भी जार्किंग नहीं आता है। आप फिर से देखो मेरा गियर देने का तरीका, ये न्यूट्रल कंडीशन, अब मैं गियर डालने वाला हूँ, सेम रिलैक्सेबल गियर, बहुत खूबसूरत है। राइडिंग करने में कुछ अलग मज़ा ले रहा हूँ। तो दोस्तों बाइकर्स गुरु एबिलिटी चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आने वाला है, तो मेरा चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं अभी भी देने वाला हूँ इस बाइक का। लेकिन इसका ये वीडियो पहला वाला था, और इसका भी और एक भी फ्यूलेक्स लगा हुआ है इधर, फ्यूलेक्स इसको इंस्टॉल मैंने कैसे किया नेक्स्ट वीडियो पर आएगा। इसका फ्यूलेक्स का वीडियो मैं इसके बाद जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ उस पर मैं दे दूँगा। तो तब तक के लिए बढ़िया वीडियो पर जारी रहो, अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहो। चलो।